बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस्लाम आपको इजाज़त देता है जब आपके बच्चे जवान हो जाएं। जवान होने से ये मुराद नहीं कि 25 या 30 साल, बल्कि जब बालिग हो जाएं तो आपको इनकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन हमारा माशरा शायद अब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। इस वजह से एक तो इल्म की कमी है और दूसरा इस्लाम से दूरी है। दो दिन से ये नया शादीशुदा जोड़ा सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश है। एक बड़ी तादाद इनका मजाक उड़ा रही है और बुनियादी एतराज़ ये है कि इतनी कम उम्र में शादी कैसे कर ली। दोनों की उम्र लगभग 18 या 19 बरस है। माशरती पस्ती का आलम देखें कि इस उम्र में मोहब्बत के नाम पर नाजायज ताल्लुकात तो कायम किए जा सकते हैं, मगर बाइज्जत तरीके से अपने मोहब्बत को मंजिल तक नहीं पहुँचाया जा सकता। इनका मजाक उड़ाने वाले ज्यादातर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग हैं, जो निकाह से ज्यादा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को तरजीह देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हम यूरोप के तर्जी जिंदगी पर चलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी रिवायात भी भूल गए हैं। हमें ये मालूम नहीं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी मंजिल क्या है। अफसोस सद अफसोस के हमारे उल्मा और असातजा भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते कि हमें समझाए कि इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निकाह का है। जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि दरअसल वो इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ा रहे हैं और इनको चाहिए कि बाज आ जाए, वरना मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हमारे माशरे को और ख़ास तौर पर वालदेन को ये सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की शादियां करवा लें, छोटे और बड़े के चक्कर में ना पड़ें और अपने बच्चों को 29-30 साल तक घरों में मत बिठाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस को देखने के लिए पाग ग्रीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।